ये सरकार पॉलिसी पैरालिसिस में से बाहर आई है। जैसे ही समस्या सामने आती है, इसके निवारण के लिए ये सरकार तुरंत ही प्रोएक्टिव होकर अगर जरूरी है तो नीतियों में परिवर्तन करने के लिए तत्पर रहती है। 10 साल तक हर महीने कोई न कोई घपला, कोई घोटाला, लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार जनता के सामने आते थे जो जनता के आत्मविश्वास को हिलाकर रख देते थे। मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के पास पब्लिक मैंडेट लेने के लिए गए थे, उस वक्त हमने वचन दिया था कि हम भ्रष्टाचार को इस व्यवस्था से उखाड़ कर फेंक देंगे। मुझे आपको बताते हुए बहुत आनंद हो रहा है मित्रों, एक साल में हमारे विरोधी भी इस सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकते। पूरा एक साल हो गया, इस सरकार के नाम पर भ्रष्टाचार के नाम पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सका। काले धन पर बार बार भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस के नेता निशान लगाते हैं कि काले धन में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि 68 साल की आजादी में 60 साल कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस ने काले धन की रोकथाम के लिए क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बनने के बाद पहले ही कैबिनेट का पहला फैसला काले धन की जांच के लिए एसआईटी बनाने का हुआ। वो मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है कि हम काले धन की रोकथाम के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। जो लोग अकाउंट किसके है वो उसके नाम डिक्लेयर कराना चाहते हैं, वो काले धन की व्यवस्था के वकील हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नामों की घोषणा करती है तो जो ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसके तहत आगे कोई सूचना भारत की सरकार को नहीं मिलेगी। क्या आप चाहते हैं कि आगे कोई सूचना न मिले? आपका इंटरेस्ट का एरिया क्या है? जांच हो और काला धन वापिस आए या हो, या मीडिया के टाइटल बनाने हैं? टीम इंडिया की एक नई कल्पना मोदी जी ने देश के सामने रखी है। प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल और इरिस्पेक्टिव पार्टी, सारे देश के मुख्यमंत्री बनकर टीम इंडिया बनती है। ये विचार पहली बार भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने रखा है और उसको चरितार्थ करने का भी हमने प्रयास किया है।